नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चर्चित पत्रकारों के बारे में। पूरी दुनिया में पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिससे ही हम इतनी आबादी वाले देश में भी लोगों तक हर खबर को साझा करते हैं। पत्रकारिता कोई आसान काम नहीं है। पत्रकारिता की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बिहारियों का अलग ही बोलबाला रहा है, चाहे वो एंकरिंग का फील्ड हो या रिपोर्टिंग का। बिहारियों ने अपना दमखम हर मोर्चे पर बखूबी दिखाया है। आज हम ऐसे ही कुछ पत्रकारों की बात करेंगे जिनके कलम और आवाज ने गलत को गलत और सही को सही बताया है। आज हम बात करेंगे बिहार से निकले उन प्रभावशाली लोगों के बारे में जिन्होंने बिहार का नाम हर मोर्चे पर रोशन किया है। इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार और लेखक है। उन्होंने न्यूज 24 और इंडिया टीवी न्यूज चैनलों में प्रबंध संपादक के रूप में काम किया है। उन्हें साल 2010 में रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ समय के लिए उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष में सलाहकार संपादक के रूप में भी काम किया था। अजीत अंजुम का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में 7 अप्रैल 1969 को हुआ था। अजीत अंजुम ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बेगूसराय और दरभंगा से की थी। वहीं अजीत अंजुम ने अपने स्नातक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के लंगर से कॉलेज से पूरी की थी। अजीत ने अपने करियर की शुरुआत अपने कॉलेज के दिनों से ही कर ली थी। अजीत अंजुम का नाम पहले अजीत कुमार था, जो कि पत्रकारिता के दौरान ही उन्होंने बदलवा लिया था। अजीत अंजुम ने अपने करियर की शुरुआत फ्रीलांस लेखन से की थी, जिसके तहत उन्होंने कई सारे मैगजीन्स के लिए लिखना शुरू किया था। दूसरे नंबर पर अब हम बात करेंगे श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह का नाम कौन नहीं जानता। श्वेता पत्रकारिता के दुनिया में उन चेहरों में गिनी जाती है जिनकी एक आवाज और सवालों के बौछार से अच्छे अच्छे राजनेता और नेता चुप्पी साध लेते हैं। आपको बता दें, श्वेता का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 21 अगस्त 1977 में हुआ था। श्वेता ने अपने करियर की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष की पढ़ाई के दौरान की थी। 1998 में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आने से पहले उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया पटना और हिंदुस्तान टाइम्स पटना में अपने नाम के साथ कई सुर्खियां बटोरी। 2002 में आज तक में शामिल होने से पहले उन्होंने जी न्यूज और सहारा के लिए काम किया। वह खेल से जुड़ी खबरों को कवर करने के लिए अपनी विशेषता के लिए जानी जाती थी। उनके शो सौरभ का सिक्सर ने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2005 में सर्वश्रेष्ठ खेल कार्यक्रम का पुरस्कार जीता था। उन्होंने आज तक समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में कुछ फिल्मों जैसे चक्रव्यूह 2012 फिल्म आदि में भी अभिनय किया है। श्वेता ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पाटलिपुत्र का इतिहास भी दिखाया था। तीसरे नंबर पर है सुशांत सिन्हा। जब बात बिहार के पत्रकारिता क्षेत्र के प्रतिभाओं की हो रही है, तो सुशांत सिन्हा का नाम कैसे कोई भूल सकता है। सुशांत सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 2 अगस्त 1984 में हुआ था। सुशांत ने अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक पढ़ाई पटना से ही की थी, जिसके पश्चात सुशांत ने अपनी स्नातक की पढ़ाई इग्नू यूनिवर्सिटी से की। इतना ही नहीं, एडेक्सेल यूनिवर्सिटी लंदन से उन्होंने डिप्लोमा की पढ़ाई की। सुशांत सिन्हा एक एंकर, लेखक और पत्रकार है जिन्होंने बेबाक होकर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को पुरजोर तरीके से जागृत किया है। अभी फिलहाल सुशांत इंडिया टीवी में बतौर एंकर की तरह काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी में जाने से पहले सुशांत सिन्हा एनडीटीवी का अहम हिस्सा थे। सुशांत के बेबाक और बेहिचक अंदाज से आज पत्रकारिता की फील्ड में जाने वाले हर कोई प्रोत्साहित होते हैं। चौथे नंबर पर है रवीश कुमार। रवीश कुमार को कौन नहीं जानता पहचानता। रवीश कुमार मूल रूप से बिहार के ही निवासी है। रवीश का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। रवीश ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पटना के लोयला हाई स्कूल से की थी। वहीं रवीश ने अपने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से की थी। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज माने जाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से अपने पीजी की पढ़ाई खत्म की थी। रवीश कुमार इस वक्त एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर होने के साथ साथ एक एंकर भी है। रवीश को उनकी शानदार पत्रकारिता और भीड़ से हटकर की गई पत्रकारिता के लिए 2 बार रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया था। वही साल 2019 में रवीश कुमार को रेमन मैगसेस पुरस्कार से नवाजा गया था। अब आगे हम बात करेंगे बेबाक पत्रकार एंकर अंजना ओम कश्यप की। अंजना एक जीती जागती मिसाल है कि जीवन में जीतने के लिए हारना बेहद जरूरी होता है। अंजना का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है। अंजना का जन्म 12 जून 1975 को रांची में हुआ था, जो कि झारखंड का हिस्सा है। अंजना ने शुरुआती दिनों में डॉक्टर बनने की ठानी थी, मगर मेडिकल के किसी भी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अंजना ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की।
उसके बाद यूपीएससी की तैयारियों में जुट गई थी, मगर अंजना की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंजना यूपीएससी की परीक्षा भी क्लियर नहीं कर पाई। अंजना ने उस वक्त भी इन सब का डटकर सामना किया और जामिया मिलिया इस्लामिया मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री ली। फिर क्या था, अंजना को दूरदर्शन में बतौर एंकर काम करने का मौका मिला। उसके बाद अंजना सफलता की सीढ़ियां चढ़ती ही गई। इस वक्त अंजना आज तक चैनल में काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है। छठे नंबर पर हम बात करेंगे प्रसून वाजपेयी की। प्रसून वाजपेयी का पूरा नाम पुण्य प्रसून वाजपेयी है। प्रसून वाजपेयी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 18 मार्च 1964 को हुआ था। प्रसून वाजपेयी एक एंकर, पत्रकार और एडिटर हैं। प्रसून वाजपेयी एक वक्त पर आज तक चैनल से जुड़े हुए थे, जहां वो दस्तक नाम के शो को होस्ट करते थे। वाजपेयी को पत्रकारिता में 29 साल हो चुके हैं। प्रसून वाजपेयी को उनके निडर होकर पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयन का अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। प्रसून वाजपेयी महज एक सफल और योग्य पत्रकार ही नहीं है, बल्कि एक लेखक भी है। प्रसून वाजपेयी ने अपने जीवन में अब तक कुल 6 किताबें लिखी हैं, जिनके नाम है राजनीति, मेरी जान, डिजास्टर, मीडिया एंड पॉलिटिक्स, संसद, लोकतंत्र या नजरों का धोखा, आदिवासियों पर टाडा एवं अन्य। अगले हैं संकर्षण ठाकुर। संकर्षण ठाकुर भारतीय प्रिंट पत्रकार है। उनका जन्म 1962 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। संकर्षण ठाकुर अपने अभी तक के पत्रकारिता जीवन में एमजे अकबर से काफी ज्यादा प्रभावित रहे, जिसके तहत ठाकुर ने कई वर्षों तक एक पत्रकार के रूप में काम किया। ठाकुर तहलका के कार्यकारी संपादक थे, जिसे उन्होंने 2004 की शुरुआत में लॉन्च करने में मदद की थी। अब वह द टेलीग्राफ में लौट आए हैं, जहां उन्होंने 1985 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत समाचार पत्र के रोविंग एडिटर के रूप में की थी। वह पहले द इंडियन एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर थे। ठाकुर ने बिहार और कश्मीर को बड़े पैमाने पर कवर किया है। उनकी कुछ सबसे यादगार कहानियां 1999 की गर्मियों के कारगिल युद्ध के बाद आई। उन्होंने 2001 में राजनीतिक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता। 2003 में उन्होंने कश्मीर में एक पुस्तक पर काम करने के लिए अपर मेनन फेलोशिप जीता था। अब हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल के बारे में। जॉर्ज ऑरवेल का नाम शायद आप सब में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जॉर्ज ऑरवेल एक पत्रकार थे, जिनका जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 25 जून 1903 को हुआ था। जॉर्ज एक पत्रकार के अलावा एक लेखक, निबंधकार और एक समीक्षक थे। ऑरवेल का पूरा नाम एरिक ऑर्थर ब्लेयर था, मगर जॉर्ज के पैदा होने के महज एक साल बाद ही जॉर्ज की माँ उन्हें लंदन लेकर चली गई थी, जहाँ उनका पालन पोषण किया गया था। हालांकि जॉर्ज कभी बिहार तो नहीं आए, मगर उनके जीवन के अहम पन्नों में बिहार का नाम दर्ज हो गया। इस क्रम में अब हम आगे बात करेंगे उदय शंकर की। उदय शंकर का जन्म 16 सितंबर 1962 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। उदय शंकर ने दिल्ली में टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। उदय शंकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक राजनीतिक संवाददाता के रूप में भी काम किया था, जिसके बाद उन्होंने पर्यावरण पत्रकारिता डाउन टू अर्थ के संपादक के रूप में भी काम किया था। शंकर ने जी टीवी पर टीवी न्यूज इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत बतौर न्यूज प्रोड्यूसर से की थी। जी टीवी से वह होम टीवी, सहारा सम, आज तक और अंत में स्टार न्यूज में भी काम किया था। बाद में शंकर को स्टार इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उदय शंकर के इस कामों के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे दरेन शहीदी की। दरेन शहीदी का जन्म बिहार के गया जिले में हुआ था। दरेन शहीदी ने अपने पत्रकारिता की पढ़ाई नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से की थी, जिसके बाद उन्होंने बीबीसी न्यूज चैनल में एंकरिंग का काम भी किया था। उन्होंने वर्ष 1998 में एनडीटीवी ज्वाइन किया और 2001 तक वहीं रहे। वहां से वह अपने प्रमुख शो स्पोर्ट्स सेंटर के एंकर के रूप में ESPN स्टार स्पोर्ट्स में चले गए। उन्होंने 5 साल तक इस शो की एंकरिंग की। उन्हें वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार दिया गया। बीबीसी, एनडीटीवी, स्टार न्यूज, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स और IBN7 के साथ काम करते हुए दरेन शहीदी का भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता में एक उल्लेखनीय प्रोफाइल है। 2007 में एनुअल न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रस्तोता का पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने अतीत में एक एंकर, निर्माता और रिपोर्टर के रूप में भी काम किया है। आगे इस क्रम में हम बात करेंगे अफरोज आलम शाही के बारे में। अफरोज आलम शाही का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भी की थी, जिसके बाद अफरोज दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से अपने स्नातक की पढ़ाई खत्म की थी, जिसके पश्चात उन्होंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई भी वहीं से पूरी की थी। अफरोज आलम साहिल एक पत्रकार, लेखक और मीडिया व्यक्तित्व हैं, जो भारतीय राजनीति और समाज से संबंधित विषयों पर अक्सर बातचीत करते नजर आते हैं। वर्तमान में वह बियॉन्ड हेडलाइंस में बतौर संपादक काम कर रहे हैं।
अफरोज का कहना है कि समाज के हाशिए वाले तबके की कहानियों के प्रति जानबूझकर अज्ञानता के कारण मीडिया से निराश होकर मैंने साल 2011 में अपने दोस्त मोहम्मद रियाज के साथ मिलकर बियॉन्ड हेडलाइंस की स्थापना की थी। अब आगे हम बात करेंगे अनुरंजन झा की। झा बिहार के मोतिहारी जिले के फुलवरिया नामक एक छोटे से गांव में हुए थे। उनके पिता रमेश चंद्र झा एक लेखक थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक किया और भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता में स्नातक को डिप्लोमा प्राप्त किया। झा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की थी और इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता के साथ एक संवाददाता के रूप में काम किया था। 30 साल की उम्र में अनुरंजन झा हिंदी समाचार चैनल इंडिया न्यूज के संपादक और समाचार निर्देशक बन गए। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज, आज तक, बैक फिल्म्स, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, कोबरा पोस्ट, जनसत्ता जैसी कंपनियों के साथ काम किया। बाद में वे वेटेंट मीडिया सॉफ्ट प्राइवेट के प्रबंध निदेशक बने। लिमिटेड एक मीडिया कंपनी जहां उन्होंने 24 घंटे जीवन शैली या मनोरंजन टीवी चैनल शुरू करने में मदद की, जिसे भारत का पहला व्यावहायिक चैनल शगुन टीवी कहा जाता है। अनुरंजन झा ने 2009 में पार्क मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और 2010 में एक समाचार और खोजी वेब पोर्टल mediasarkar.com की शुरुआत की। तो ये है बिहार से निकले पत्रकारिता के क्षेत्र के धुरंधर, जिन्होंने बेबाक पत्रकारिता से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। समूचे बिहार के लिए ये बेहद ही प्रफुल्लित करने वाला मंजर होता है जब एक बिहारी बोल रहा होता है और सब बड़े बड़े नेता चुपचाप होकर उनकी बात सुनते हैं और जवाब दे रहे होते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।